इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोनिक। सबसे पहले मैं इसमें जो आपको बता रहा हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन, अगर सर्कल की इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी वो सर्कल होता है जिसमें ओरिजिन हो सेंटर, तो उसका एक्स बराबर होगा ए कॉस थीटा, वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। हाँ, अगर सेंटर 0,0 की जगह एच और के होगा तो एक्स वाले में एच प्लस हो जाएगा, वाई वाले में के प्लस हो जाएगा। इसी तरह पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280। एलिप्स की ये भाई हमारी इक्वेशन है और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन देखें एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। ये देखें जी हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। ये तो हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब आ जाएं इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट पे। मेरे भाई जब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, वाई वन इक्वल टू 2ax प्लस एक्स वन। अब देखो भाई ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट पे, जो सिचुएशन बनेगी वाई वन और एक्स वन हमारे पॉइंट्स होंगे। फिर देखें एलिप्स अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, तो उसकी इक्वेशन एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बी स्क्वायर इक्वल टू ए। और अगर आप हाइपरबोला की देख रहे हैं तो नीचे वाली हाइपरबोला की है मेरे भाई, फार्मूले में सिर्फ तब्दीली किसकी आ रही है, साइन की, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि हाइपरबोला के फार्मूले में भी यही होता है। तो देखें यहाँ पर भी यही हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नस्ट में और फास्ट के टेस्ट में तो आता है, अब एनईडी के टेस्ट में भी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं मेरे भाई। अब देखें अगर इक्वेशन टेंजेंट की जगह नॉर्मल की होगी तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन माइनस वाई अपॉन 2ax माइनस एक्स वन। पैराबोला की हर बार देखें बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन एलिप्स हाइपरबोला की बहुत मिलती जुलती है। अब ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी अलॉन्ग मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। तो मेरे भाई इसकी इक्वेशन देखें ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यह एलिप्स में नॉर्मल के केस में माइनस साइन लगा हुआ है और जब हम हाइपरबोला की केस करेंगे तो माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। देखें ना हाइपरबोला में यहाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया, यानी एलिप्स में प्लस था तो ये माइनस आ गया। तो भाई जहाँ जहाँ एलिप्स में माइनस होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, इसके अंदर हाइपरबोला में क्या आ जाएगा, प्लस। मेरा भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसके हवाले से अगर कुछ मटेरियल चाहिए हो तो वो आप मुझसे SMS के थ्रू या मैसेज पे ले सकते हैं। थैंक्स।